हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना ग्रो ऐप में अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड का, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे SBI कॉन्ट्रा फंड में निवेश करना है डायरेक्ट में, ठीक है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इसकी NAV आप देख सकते हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। अब कहने का मतलब है ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट है, और रेगुलर में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक एजेंट को बाय कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी से ही डायरेक्ट आप NAV को खरीद रहे हैं, ठीक है। मेरा रेगुलर में भी पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है क्योंकि जब मैंने पहली बार पैसा इन्वेस्ट किया था तो रेगुलर के ही थ्रू किया था, ठीक है। रेगुलर का आखिर जो एजेंट होता है उसका काम क्या होता है कि सारी चीज़ों को हमें बताना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, करीब मेरा 5 लाख रुपए इसमें पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा जो कि SBI का म्यूचुअल फंड है इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें पैसे को निवेश करना चाहूँगा तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है, और 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो SBI में ही करने वाला हूँ, और आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेटर भी करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर 5,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 1 टाइम में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 7,900 जो कि 24 रुपया, यानी कि 44% का लमसम यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप रैंक देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कैटेगरी और रैंक, इन कैटेगरी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में फ़ंड मैनेजर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ंड मैनेजर कौन कौन है, जो कि 2 फंड मैनेजर हैं। जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसका फ़ंड मैनेजर होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर अन्य कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप इसी तरीके से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहूँगा क्योंकि इसमें मेरा पहले भी यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है और इसने मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें पैसे को निवेश करने के लिए यहाँ पर 1 टाइम पे सिंपली क्लिक करूँगा, क्या 1 टाइम पे सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बातें यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि अगर आपका जो ग्रो ऐप है उसमें पैसे ऐड हुए हुए हैं तो उन पैसों से आप ना तो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं ना तो SIP कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर अपना जो भी बैंक खाता है, ठीक है, उस बैंक खाते से आपको पैसे कटाने ही पड़ेंगे क्योंकि जो ग्रो ऐप का वॉलेट है वो बैंक से कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि कितने पैसे हम निवेश करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लमसम 7500 कर देता हूँ, ठीक है। आप जितने करना चाहें कर सकते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपना यहाँ पर वॉलेट सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप फोन पे, तो मैं गूगल पे चलाता हूँ तो मैं गूगल पे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल गया है पे 7500, ठीक है। मैं चलिए इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटो वेरीफाई हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देना होता है अपनी बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करके, ठीक है। अगर आपका एक ही बैंक खाता है तो आपका यहाँ पर आ ही जाएगा, और आपका 2 बैंक खाते हैं तो आप यहीं से ही
इस आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपली पे पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। सिंपली इतना काम कर देते हैं तो आपको यहाँ पर UPI पिन डालने के लिए पूछा जाएगा, तो अपना यहाँ पर UPI पिन डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर UPI पिन एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना UPI पिन एंटर कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर यह आइकन देखने को मिल गया है इसका, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। अब जो आपका पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और जो भी 7200 की जो भी यूनिट होगी वो आपको यहाँ पर खरीद के आपके वॉलेट में शो होने लगेंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रेटिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसे रेटिंग नहीं दूंगा और मैं यहाँ पर डन कर दूंगा। इसका एक फ़ायदा और भी है, अगर आप ग्रो ऐप से कोई भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रो ऐप का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, जैसे कि विड्रॉल वगैरह या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ग्रो ऐप के थ्रू बता रहा हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप इसमें अकाउंट बनाकर और आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट कन्फर्म और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो यहाँ पर अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, यानी कि अभी जो हमारा पेमेंट है यानी कि हमने कर दिया है पर हमारा जो प्रोसेसिंग में है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद में आप एक काम यहाँ पर ये करेंगे, जैसे कि ये है तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये आइकन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं वॉच लिस्ट, ठीक है। अब आप यहां से क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि मैं इसे कट कर देता हूं, कट करने के बाद ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, म्यूचुअल फंड पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपका वॉच लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये मौका सबसे अच्छा है, क्योंकि जो इसकी NAV है, किसी भी म्यूचुअल फंड की ले लो उसकी NAV समझो अभी डाउन है बहुत, ठीक है। जैसे कि यह है कोटका, तो कोटका की भी जैसे कि एक मंथ में देख सकते हैं जो कि इसकी भी NAV बहुत डाउन हो गई थी अभी, ठीक है। तो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके कर सकते हैं, जैसे कि ये है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसकी सारी डिटेल जानने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें पैसा का इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक साल में जो रिटर्न दे रहे हैं वो इतना दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं अगर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो किस तरीके से देखना है, तो वो पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, फिलहाल अभी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ कोटका में पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने 14,999 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे और जो रिटर्न है वो, यानी कि अभी जो ग्राफ है, मैंने 2-3 दिन पहले ही इसमें पैसे को निवेश किया था, ठीक है, और उसके बाद जो NAV थी वो यहाँ पर गिर गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा अभी 150 रुपये है वो यहाँ पर डाउन है, यानी कि मैंने 14,999 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो करंट वैल्यू है मेरे रुपये की वो है 14,849 और यहाँ पर जो रिटर्न देख सकते हैं यानी कि माइनस में है अभी 150 रुपये, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, और आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। और अधिक जानने के लिए जैसे कि मैंने इसमें पैसे को निवेश किया था तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ तो मैं प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो ऑर्डर है वो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने 5 लाख रुपये का इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रखा है और इसमें मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, वो भी आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपनी SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड, ठीक है, यहाँ पर है 5,01,501 रुपये, ठीक है। अब ये कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान, ठीक है, पर ये रेगुलर है वो डायरेक्ट है, इसमें जब भी हम यानी कि रेगुलर के थ्रू हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कहने का मतलब होता है हम एक एजेंट को बाय कर रहे हैं, ठीक है, पर डायरेक्ट से हमने किया है तो उसमें हम एजेंट को बाय नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पैसे को निवेश कर रहे हैं तो डायरेक्ट के ही थ्रू करें, डायरेक्ट में आपको अधिक प्रॉफिट होगा,